हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैसी टैरेट। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सभी अच्छे होंगे। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। सो प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा, गार्जियन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन यूनिवर्स स्पिरिट्स गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, स्टक हैं किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा स्टक है, परेशान है और आपको खोने का डर भी उनके मन में बहुत तगड़ा बैठा हुआ है। यहाँ पर ठीक नहीं है इस वक्त, मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि प्रॉब्लम में है, वो परेशान है। यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर परेशान है यहाँ पर। और देखते हैं कि क्या कार्ड्स कह रहे हैं। ओके, हो सकता कुछ ऐसी बातें उनके सामने आई हों, या अचानक से उनको कुछ बातें ऐसी मिली हों, या आपसे ऐसी कुछ आर्ग्यूमेंट हो गई हो छोटी मोटी, जिसके साथ रेजोनेट करे वही लीजिएगा, जो वो उनको मतलब इतना ज़्यादा हर्ट कर गया हो कि शायद वो उस चीज़ को कुछ भी कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किए होंगे कि आप ऐसा बोल दोगे, या जिनसे भी ये बात पता चली होगी। या क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ये थिंकिंग मेरे लिए है, क्या ऐसी इमोशनल काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। सॉरी, मेरे बेटे की तबीयत सही नहीं है तो उसे खांसी आ रही है, अवॉइड कीजिएगा प्लीज़। यहाँ पर देखिए, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं लेकिन शायद बैलेंस हो नहीं रही हैं, इसलिए यहाँ पर दुखी भी हैं और परेशान भी हैं और इमोशनल भी थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर है। ओके, शायद मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि वो कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वो उस कोशिश में उनको शायद वो रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है जो वो चाहते हैं। बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को आपके साथ, जिनकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके साथ अगर बैलेंस करना चाहते हैं तो शायद वो हो नहीं रहा है, इसके वजह से परेशान है। आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, आपको लेकर स्टक भी बहुत ज़्यादा है, परेशान भी बहुत ज़्यादा। और जिनकी बातचीत हो रही है वो यहाँ पर चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं लेकिन शायद रोज़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जा रही हैं, इसके वजह से भी यहाँ पर इमोशनल आपके पर्सन ज़्यादा है। हो सकता हो कुछ लोगों के लाइफ में यहाँ पर कुछ ऐसी बातें उन्हें पता चली हों जिसके वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, हर्ट है और दुखी भी है। ओह माय गॉड, मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। देखिए, आपके पर्सन कोशिश बहुत कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से रीडिंग आ रही है कि आपके पर्सन जो है एक नया कोशिश करना चाह रहे हैं अपने रिश्ते को लेकर, चाहे वो कैसी भी शुरुआत हो लेकिन वो शुरुआत करना चाह रहे हैं, ग्रोथ देखना चाह रहे हैं अपने रिश्ते में और आपके साथ आगे बढ़ने के लिए ग्रोथ करना भी चाह रहे हैं। हो सकता हो हमारे जब हम जैसा सोचते हैं उस वक्त वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं कि अभी सोचा कि हमें ये करना और अभी ये हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है और ऐसा होता भी नहीं है अक्सर। तो ये सिचुएशन है, होंगी यहाँ पर कि वो कोशिश कर रहे हैं पर हो सकता हो वो कोशिश उनकी नाकाम हो जा रही हो, जिस भी तरीके से वो हाथ पैर पटक रहे हो वो चीज़ें ना हो पा रही हों, इसके वजह से थोड़ा हैंडल नहीं हो पा रही हैं चीज़ें। लेकिन यस, बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाने के लिए सोच भी रखा, ग्रोथ अपने रिश्ते में वो देखना चाहते हैं यहाँ पर। तो ये भी यहाँ पर की करंट फीलिंग्स हैं कि वो अपने रिश्ते में यहाँ पर ग्रोथ देखना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, मैच्योरिटी से हैंडल करना चाहते हैं चीज़ों को। और ये देखिए, लड़ रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं, खुद से फाइट कर रहे हैं, अगर फैमिली इशू है तो फैमिली से फाइट कर रहे हैं, आपसे भी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पर खड़े हैं अपने रिश्ते के लिए, आपके साथ जो भी उनका रिश्ता है उसके साथ बने रहने के लिए यहाँ पर डटे हुए हैं कि जो भी होगा, जो लोग भी आएंगे मैं सबका सामना कर लूँगा। इसीलिए यहाँ पर बहुत परेशान है और आपसे खोने के लिए आपको डर रहे हैं। हो सकता है उनको एक पल के लिए, भाई ह्यूमन नेचर है, आता ही होगा, पता नहीं क्या होगा। तो ये सिचुएशन हो रही होगी जिसके चलते वो शायद उन्हें रोना भी बहुत ज़्यादा आ जा रहा होगा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो अपने आप को समझा रहे हैं, अपने आप को मजबूत कर रहे हैं कि नहीं, डिफ़िकल्टीज हर किसी की लाइफ में आती हैं पर जो चीज़ें हैं वो अपनी तरफ से किसी भी तरीके की कमी नहीं रखना चाहते हैं यहाँ पर। ये बहुत अच्छी बात है, मैं शफल कर रही थी तो ये पॉप अप हो रहे थे बार बार, क्वीन ऑफ कप्स। तो बहुत, मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं, खोने से डरते हैं, आपको अपने पास रखना चाहते हैं और इमोशनल बहुत ज़्यादा है इस वक्त शायद वो उनका मन कर रहा होगा कि बस मैं रो लूँ जी भर के, जितना हो सके रो लूँ। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी कभी आती है तो उस वक्त रो लेना चाहिए। रो लेने से हम काफ़ी कुछ अपना रिलीज़ कर पाते हैं, अपने माइंड को थोड़ा सा सॉफ्ट कर पाते हैं, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा हटा पाते हैं। जब हम तबीयत से रो लेते हैं, खूब अच्छे से रो लेते हैं तो मन हल्का हो जाता है।
करंट सिचुएशन में आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की यही है कि वो आपको लेकर इतना ज्यादा पॉजेसिव है, अपना इतना ज्यादा परेशान है कि उन्हें रोना आ रहा है और वो रो भी रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर परेशान बहुत ज्यादा है, इमोशनल बहुत ज्यादा है, आपको खोने से भी डरते नहीं, बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ चीजें, लेकिन बैलेंस शायद हो नहीं पा रही है। बट ये देखिए अगेन, चीजों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक करके ही रहेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं कि चीजें ठीक करके ही रहेंगे। एक चैप्टर आपकी लाइफ में जो अभी तक बेकार चल रहा था उसको खत्म करेंगे और नया चैप्टर आपकी लाइफ में उनके साथ वो शुरू करेंगे और अपना प्यार, अपनी खुशी, वो जो कुछ भी है उनके अंदर वो जाहिर करेंगे, आपसे बांटेंगे, आपसे बांटना चाहते हैं, आपसे आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, आपको एक देखते हैं कि बस जो कुछ भी हो वो आप हो, ऐसा मुझे एनर्जी यहाँ पर आ रही है। बट इस वक्त थोड़ा इमोशनल तो है ही, लेकिन पॉजिटिव भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं आपको, आपको लेकर कि बस कुछ भी हो जाए मुझे ये चीज़ करनी है, मतलब करनी है, इसीलिए बैलेंस बिठाने के लिए सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, बना रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव रह पाना हर इंसान के बस की बात नहीं है। कभी कभी हम टूट जाते हैं पॉजिटिविटी को सोचते सोचते कि कितना पॉजिटिव रहे, बट ये तो हमारा एक्चुअल में टेस्ट होता है कि हम कितना पॉजिटिव रह सकते हैं, और जो कि हम फेल हो जाते हैं अक्सर। जस्टिस, न्याय, मैं क्या बोलूं, देखो जी फिर वही कार्ड की बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ, चीज़ों को न्याय देना चाहते हैं आपके साथ, सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, बट हो सकता हो थोड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रही हों तो चीज़ें नहीं हो पा रही हों, तो हौसला थोड़ा सा कमज़ोर होने लगता है। बट अगर आपकी बात हो रही है, अगर आपको पता है ये चीज़ें या पता चलती हैं, तो आप उनका हौसला बांधें, उनका ढाढ़स बांधें, क्योंकि अगर आप ही नहीं बांधेंगे तो फिर वो अकेले को कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोगों का छोटा मोटा झगड़ा हुआ तो प्लीज़ उसे ख़त्म करिए, बात करने की कोशिश करिए। हमेशा याद रखिएगा, लोग कहते हैं कि झगड़ा हो रहा हो तो वहाँ पे शांत हो जाना चाहिए, पर मेरा ऐसा मानना है कि झगड़ा अगर हो रहा हो तो गुस्से वाली बातें ना करके अगर हम कम्युनिकेशन पर, अच्छे कम्युनिकेशन पर ध्यान दें, नॉर्मल होकर शांति से उस चीज को बात करने की कोशिश करें, तो वो झगड़ा शायद वहीं पर ख़त्म हो जाए। पर कभी कभी होता है लोग सामने वाले चुप हो जाते हैं, तो फिर वो जिसको झगड़ा चल रहा होता है वो अग्रेशन में और बदलने लगता है, जिसकी वजह से चीज़ें और खिंच जाती हैं। तो ध्यान रखिए, अगर छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट हो रही है, बहस हो रही है, तो कोशिश कीजिए अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दें, ठीक करने की कोशिश करें, ना कि उसको और बढ़ावा दें, चिंगारी दें उसको। ओके, तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आपके पर्सन जो है यहाँ पर बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो बिठा भी लेंगे, क्योंकि हार नहीं मानेंगे वो। और ये देखिए, अब मैं क्या बोलूँ, इन्होंने, मैंने कहा ना, हार नहीं मानी है और ना मानेंगे, और सक्सेस चाहते हैं और सक्सेस पा के रहेंगे। ये जो सबर है ना, ये जो इम्तिहान है, सबसे टफ इम्तिहान है, कि हम 9 सीढ़ियां चढ़ाए हैं, अगर हम 10वीं सीढ़ी के लिए डटे रह गए तो हमें फिर कोई नीचे गिरा नहीं सकता, लेकिन उस 10वीं सीढ़ी तक टिके रहने के लिए ही सबसे ज़्यादा आपको चैलेंज किया जाता है, सबसे ज़्यादा आपका टेस्ट किया जाता है। और यहाँ पर आपके पर्सन उस टेस्ट के लिए रेडी हैं, कुछ भी हो जाए मुझे, कुछ भी हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, कुछ भी चीज़ें आए, मैं उन चीज़ों को एंड करूँगा और सक्सेस पाऊँगा। और ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, अगर सभी इस तरीके से रहें तो हर चीज़ें आसान हो जाए। लेकिन यस, हम नहीं कर पाते, हमारे अंदर इतना सब्र नहीं होता, इतना टेस्ट देने के लिए हम कैपेबल नहीं होते, इम्तिहानों से हम घबराहट होती है, और टूटते भी हैं हम, ऐसा नहीं कि हम टूटते भी नहीं, उन सिचुएशनों में हम हार भी मान लेते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे टेस्ट हमारे सामने हो जाते हैं, यूनिवर्स हमारे इतने सारे टेस्ट ले लेता है कि हमें लगता है अब बस हो गया, हमारे बस की बात नहीं है। पर वही है, जो उस 10वीं सीढ़ी के लिए खड़ा रह गया वो जीत गया। अब उस 10वीं सीढ़ी तक खड़े रहने के लिए आपको किन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा वो मैटर करता है, और यहाँ पर आपके पर्सन बिल्कुल रेडी हैं उन चीज़ों के लिए। होप ये पॉजिटिव एनर्जी आपके पर्सन के साथ हमेशा बनी रहे, छोटे मोटे झगड़ों के साथ में आपका रिलेशन यूं ही बरकरार रहे, अच्छा रहे। आप जो पाते हैं, चाहते हैं अपने रिलेशन में अपने पर्सन के साथ, वो चीज़ें हों, आपकी बातचीत होती है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए अपने पर्सन को। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, कभी भी आप इसे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।